नमस्कार, मैथिली न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। ब्लॉक सुल्तानगंज के गांव इटौरा में स्वच्छता को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की ये रिपोर्ट। ब्लॉक सुल्तानगंज के गाँव इटौरा में स्वच्छता रैली निकाली गयी। ग्राम प्रधान यदुनाथ सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें नीरज शर्मा की अगुवाई में ब्लॉक सुल्तानगंज में स्वच्छग्रहियों के निगरानी समिति में सदस्यों ने हाथ में स्वच्छता की पट्टिका लेकर नारे लगाकर लोगों को जागृत किया। कहा, जहां सोच वहां शौचालय, नारी का सम्मान, जय स्वच्छता आदि नारी लगाकर बात कही। इस मौके पर बीना, प्रभास, सुभाष, शैलेश आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। देखिए, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर पूरा ध्यान दिया गया है। सभी गांव बेसलाइन सर्वे 2012 के आधार पर खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। अब निरंतरता के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए स्वच्छाग्रहियों की इसमें प्रमुख भूमिका है। सभी गांवों में निगरानी समितियां गठित करने के सभी स्वच्छाग्रहियों को निर्देश दिए गए हैं। खंड प्रेरकों से कहा गया है कि सभी गांवों में निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाए। ये जो निगरानी समितियां हैं, इनमें 30 सदस्य होंगे, 10 युवक, 10 युवतियां और 10 बच्चे। इन सभी के मोबाइल नंबर पर जिनकी सूची स्कूलों में और शासकीय भवनों की दीवारों को पेंट कराने के निर्देश हैं, जिससे उन लोगों को, गांव के लोगों को या बाहर के जो भी लोग हैं उनको पता हो कि इस गांव में निगरानी समितियां कौन कौन सी हैं। उन सभी निगरानी समितियों को उनका जैकेट है, टोपी है, डंडा है, टॉर्च है, ये दिए जाने की व्यवस्था ब्लॉक स्वच्छता परियोजना प्रबंधक इकाई द्वारा की जा रही है। इसके लिए सभी ब्लॉक से प्रस्ताव मांगे गए हैं। अब जो हमारा पूरा अभियान जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, वो पूरा अभियान स्वच्छाग्रहियों और निगरानी समितियों पर ही केंद्रित होगा। प्रत्येक नए शासनादेश के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक स्वच्छाग्रही, सक्रिय स्वच्छाग्रही की तैनाती किए जाने के निर्देश हैं और ब्लॉक से सभी के नाम मांगे गए हैं। अब इन जो नए स्वच्छाग्रही हैं, इन सबको हम लोग एक 5-5 दिन की CLTS ट्रेनिंग देकर गांव में तैनात कर देंगे। कुंभ मेला में कुछ स्वच्छाग्रही जा रहे हैं? कुंभ मेला में पहले सभी जनपदों से 20-20 स्वच्छाग्रही बुलाए जाने का निर्देश मिला था, लेकिन भीषण सर्दी को देखते हुए और वहाँ पर व्यवस्था पर्याप्त बाहर के लोगों के लिए करने के लिए, जो महिलाओं की जो ज़्यादा भीड़ को देखते हुए, वो निर्देश शासन ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ प्रयागराज जनपद के स्वच्छाग्रही और नज़दीकी जनपदों के स्वच्छाग्रहियों को बुलाया जाए। दूर दराज के जनपदों के स्वच्छाग्रही जो कि वहाँ पर असुविधा जिनको होगी जाने में और ठंड में वहाँ रहने में, इसलिए उनको मना कर दिया गया है, वो जो स्वच्छाग्रही जाएंगे वो प्रयागराज और लोकल आसपास के जनपदों के ही वहाँ तैनात किए जाएंगे, अब कुंभ मेले में नहीं जाएंगे।